नमस्कार, कुक विद वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ तड़का मूंग दाल। तो इसे बनाना बिल्कुल आसान है, ये जल्दी बन जाता है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मूंग दाल को सोख होने के लिए रख दिया था। हमने इसे 6 घंटे सोख किया है। अब इसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है पानी से। और ये देखिए, एक दाने को ये हल्का प्रेस करने से दब जा रहा है, इसका मतलब अच्छे से सोख हो चुका है। तो अब हम इसका तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच सरसों तेल। तेल आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 2-3 तेज पत्ते। इसे हम अच्छे से फ्राई होने देते हैं। और इसमें अब हम डाल देते हैं 4 कली लहसुन के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 लाल मिर्च। सभी मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। हमने 2 लौंग भी डाल दिया है। 1 प्याज को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन तक होने तक भूनना है। तो हम इसे भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च। सभी मसालों को हम 1/2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, उससे कलर अच्छा आएगा। तो हमने यहाँ 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मूंग को। तो सभी मसालों के साथ हम मूंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक को। तो हम नमक यहाँ 1 चम्मच ले रहे हैं, आप स्वाद अनुसार डालें। तो नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ टमाटर। तो हमने 1 टमाटर को बारीक काट लिया है, उसे भी ऐड कर दिया। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बनाना बिल्कुल आसान है। इसमें अब हम पानी ऐड कर देंगे। पानी इतना डालेंगे कि हमारे मूंग जो है अच्छी तरह से डूब जाए। और इसे ढककर हम 10 मिनट पकने देंगे। 10 मिनट हो चुका है, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी पानी है इसमें। तो इसे हम एक बार चला के इसे फिर से ढककर हम 5 मिनट और पका लेंगे। तो हमने यहाँ पे ढक दिया है और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इसे अब हम चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है। ये देखिए, पानी भी सोख गया है। तो इसके 1 दाने को हम उठा के चेक करेंगे। ये देखिए हल्के दबाने से ही ये मैश हो जा रहे हैं, मतलब अच्छे से ये पक चुके हैं। तो इसे हम चम्मच से ही ऐसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो किसी से भी प्रेस करके इसे दबा के मैश कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला। हमारे तड़का दाल तैयार हो चुका है। इसे हम रोटी या पराठे के साथ सर्व करेंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। और इसे हम पराठे के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें।